नमस्कार, निटिंग एंड क्रोशे ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं ये एक कलर का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, इसे आप कार्डिगन में बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा, ये बताने जा रही हूँ। ये 15 फंदों का फंदे का डिज़ाइन है। ये 4 प्लाई ऊन मैंने लिया है इसके लिए और 10 नंबर की सिलाई है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहली सिलाई में हम 2 फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे और ये 1 और ये 2 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदा सीधा धागा आगे करने के बाद 2 फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से इन दोनों फंदा को उतार लेंगे और इन दोनों को मिला करके एक फंदा बुनेंगे। यह फंदा हमारा बढ़ गया था, ये यहाँ पे घटा है। 2 फंदा का एक फंदा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, 6 फंदा उल्टा। ये 6 फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद इन दोनों फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे और 2 और सीधा, यानी 3 सीधा फंदा यहाँ पे हम बुनेंगे। यहाँ 2 का एक करेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, ये 3 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक सीधा फंदा बुनेंगे, धागा आगे कर लेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस तरह से इन दोनों फंदा को उतार लेंगे और दोनों को एक फंदा कर लेंगे, धागा आगे करेंगे, 6 फंदा उल्टा। ये 6 फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदा का मिला करके एक सीधा फंदा, उसके बाद 2 सीधा फंदा, धागा आगे, एक सीधा फंदा, उल्टे तरफ से ये पूरा सिलाई उल्टा ही बुनेंगे। तीसरी सिलाई में फिर ये पहली सिलाई में 2 फंदा सीधा बुने थे, अब ये फंदा भी हम सीधा ही बुनेंगे, 3 फंदा सीधा। ये जाली के ऊपर वाला फंदा जो है इसे हम सीधा बुन लेंगे, धागा आगे करेंगे, 2 सीधा फंदा बुनेंगे, फिर उसी तरह से ये फंदा उतार लेंगे और दोनों को मिला करके एक फंदा बुनेंगे। अब ये पिछले सिलाई में 6 उल्टा फंदा था, यहाँ हम 4 उल्टा फंदा बुनेंगे। ये 4 उल्टा फंदा, यहाँ भी एक उल्टा फंदा घट गया है और फिर यहाँ हम इन दोनों को मिला करके एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक उल्टा फंदा और ये सीधा, दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद ये 2 यानी 3 सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, धागा आगे करने के बाद ये 3 फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए 3 फंदा सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, 2 फंदा सीधा बुनेंगे, उसी तरह इस फंदा को उतारेंगे और दोनों को मिला करके एक फंदा बुनेंगे, फिर 4 उल्टा, फिर
एक सीधा और एक उल्टा फंदा दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे, फिर दो सीधा फंदा धागा आगे, दो सीधा, उल्टे तरफ से पूरा सिलाई उल्टा ही बुनना है। पांचवी सिलाई में फिर हम ये चार फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, दो फंदा सीधा, फिर यहाँ एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा दोनों को मिला करके एक फंदा सीधा बुनना है। इस तरह से फंदा उतार लेंगे, दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे, उसके बाद दो उल्टा फंदा, धागा पीछे, फिर दो का एक फंदा, दो फंदा सीधा, धागा आगे, एक दो तीन चार, और ये पांच फंदा सीधा कर बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, दो फंदा सीधा, इसी तरह से। इस तरह से नहीं उतारना, इस तरह फंदा उतार करके दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा बुनेंगे, दो उल्टा, फिर दो का एक फंदा, दो सीधा फंदा, धागा आगे, तीन सीधा फंदा, उल्टे तरफ से छठी सिलाई, फिर हम पूरा सिलाई उल्टा ही बुनेंगे। सातवीं सिलाई में फिर हम ये पांच फंदा सीधा बुनेंगे, ये जाली वाला फंदा, फिर हम सीधा बुन लेंगे, उसके बाद हम धागा आगे करेंगे, दो फंदा सीधा बुनेंगे, इस फंदा को और ये उल्टा फंदा को दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा, फिर ये दोनों फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा। यहाँ देखिए, जो पहले छः उल्टा फंदा बुने, फिर चार, फिर दो, अब ये यहाँ उल्टा फंदा बीच में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये दो सीधा फंदा बुनने के बाद एक फंदा यहाँ घटाए और एक फंदा यहाँ घटाए, इस तरह से ये छः फंदा सीधा हो जा रहा है। फिर धागा आगे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे कर लेंगे, दो फंदा सीधा, उसी तरह इन दोनों फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा, फिर इन दोनों को मिला करके इस तरह से एक सीधा फंदा। उल्टे तरफ से आठवीं सिलाई में ये पूरा फंदा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, हमारा डिजाइन बन गया है, ये आठ सिलाई का ही डिजाइन है। अब हम नौवीं सिलाई फिर पहली सिलाई की तरह ही बुनेंगे। जैसे नौवीं सिलाई में पहली सिलाई में हम दो फंदा सीधा बुने थे, धागा आगे करेंगे, ये दो फंदा सीधा, इन दोनों फंदा को मिला करके इस तरह से उतार लेंगे और एक सीधा फंदा, फिर छह उल्टा बुनेंगे, छह उल्टा फंदा, फिर इन दोनों फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा और दो फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, दो फंदा सीधा, इन दोनों को मिला करके एक सीधा फंदा, फिर छह उल्टा। छह उल्टा
यहाँ फिर दो फंदा को मिला करके एक सीधा फंदा, उसके बाद फिर दो फंदा सीधा, धागा आगे कर लेंगे, एक सीधा फंदा उल्टे तरफ से फिर पूरा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए जैसे हम पहली सिलाई बुने थे, फिर उसी तरह ये नौवीं सिलाई हम बुने हैं, और उसी अब इसी को हम रिपीट करते जाएंगे। ये डिज़ाइन कार्डिगन में बहुत ही अच्छा लगता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को भी ये डिज़ाइन पसंद आएगा। धन्यवाद।